অকমান গুচি দিয়কচোন। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? अभी तो सबसे पहले तो हम आज स्वर्गीय श्री आजो हम आज याद करते हैं स्वर्गीय श्री तरुण गोगोई जी को। और वो सिर्फ आसाम के ही नहीं लेकिन देश और विदेश के नेता रहे थे और खासतौर से आसाम के लोग और आसाम के साथ साथ पूरे जो नॉर्थ ईस्ट है उनके लोग उनको याद करते हैं क्योंकि वो एक निर्माता थे। जो मॉडर्न असम बना था उसके वो निर्माता थे। असम ने बहुत मुश्किल का समय देखा है, यहाँ मिलिटेंसी भी देखी है, यहाँ एक तरह से अंडर डेवलपमेंट भी देखा है, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनने असम को पूरे देश के मुकाबले में लाने का उनका प्रयास रहा। और जो आज हम देखते हैं, फ्लाईओवर देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, हाईवेज देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, कॉलेजेस देख रहे हैं, जो एक तरह से असम को पूरे देश के अंदर प्रमुख रूप से देखा जाता है, वो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उनको हम याद करते हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी जितने साथी हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनके जो बताए हुए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी विकास के रास्ते पर चलती रहेगी। सर समीक्षा है, उस समीक्षा में देखिए बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। 5 राज्यों के अंदर चुनाव और उन चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। और इसलिए मजबूत है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देख लिया है, नरेंद्र मोदी का चेहरा देख लिया है। ये शुरुआत हुई थी हिमाचल से और उसके बाद कर्नाटक से। दोनों ही प्रदेशों के अंदर आपने देखा कि मोदी जी रात और दिन कैंपेनिंग कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दे रहे थे, जो उनके बहुत उनका जो एक तरह से फेवरेट काम है, जो उनके अंदर माहिर हैं, वो काम है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेने के लिए। वो सारा उनने कोशिश करी लेकिन उसके अंदर वो फेल हो गए। जनता ने उनका असली चेहरा देखा है। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। मैं अभी मध्य प्रदेश का स्क्रीनिंग कमेटी का मैं चेयरमैन हूं। आपके ही प्रदेश के सांसद श्री गौरव घोजी राजस्थान के चेयरमैन हैं, तो वहाँ एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोग बहुत नाराज़ हैं, वहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी तो लड़ ही रही है लेकिन जनता लड़ रही है क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट को पैसा देने के बाद मंत्री पद का लालच के सरकार को गिरा दिया। इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने का उनने प्रयास किया और उस पर सफल रहे। तो आज जनता अपने आप कह रही है कि इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, जो जनता का भावनाओं की कदर नहीं करती है। सर राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान में बीजेपी एमएलए कांग्रेस एमएलए बीजेपी से प्रॉब्लम पसंद करते हैं। देखिए अमृतसर में चला गया ऐसा देखिए असम में कांग्रेस। जहाँ तक मैं राजस्थान की बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरह के कल्याणकारी काम माननीय अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस सरकार ने जो करा है, वो एक तरह से सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं लेकिन देश के लिए एक सबसे पहला काम करा है उन्होंने। नंबर 1 पर जो कल्याणकारी स्कीमें आई हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम वहाँ लागू हो गई, घोषणा नहीं हुई, लागू हो गई है। वहाँ चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल के अंदर जा सकता है और 20 लाख रुपये तक का फ्री में इलाज करा सकता है, दवाई ले सकता है। वहाँ बिजली 2000 यूनिट बिजली प्रति माह किसानों के लिए मुफ्त है। हर घर के अंदर 100 यूनिट बिजली मुफ्त है। 200 यूनिट पर फ्यूल चार्ज माफ़ कर दिया गया है। अनुदानित किट बांटे जा रहे हैं। तो 10 जो हमारे महंगाई राहत कैंप लगाए हैं। गैस सिलेंडर के से आज सब पीड़ित हैं, आप सब पीड़ित हैं। वहाँ राजस्थान में आप जाएंगे 500 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो ये सिर्फ घोषणाएँ नहीं है, ये इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। 5 साल लगातार सरकार ने काम करा है। कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, रोड बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, अस्पताल बने हैं। तो राजस्थान के अंदर 100% कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। सर, असम में कांग्रेस का एमएलए बीजेपी के प्रोग्राम में जाता है, वो इसके लिए थोड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है, मिला हुआ ऐसा अभियोग आ रहा है। सर, जो पिछले जो इलेक्शन में हमने देखा है बहुत क्रॉस वोटिंग हुआ है, तो सर उसके बाद उन लोगों को कोई एक्शन नहीं हुआ है। बार बार कांग्रेस के अंदर आवाज़ उठ रही है। सर, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि अभी कुछ समय बाद ही कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, PAC की बैठक है। उस बैठक के अंदर ये भी एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अंदर बैठकर जो भी चर्चा की जाएगी, डिसिप्लिन की बात है और भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, आगामी लोकसभा चुनाव है, उन सबों के बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं आपको बताऊँगा।